हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना और सबके साथ में शेयर करना। और ज़्यादा बातें करूँगी यहाँ पे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मास्क बनाते हैं। मास्क घर पर बनाना बहुत ही ईजी होता है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कॉटन का कपड़ा लेना है। आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हो, जितना आपको लगे कि आपके फेस पे ये इतना कवर हो जाएगा, पूरा फेस अच्छे से कवर होना चाहिए, उतनी साइज़ का आप कपड़ा ले लीजिए। और बस इलास्टिक चाहिए दूसरा, और फिर कुछ नहीं करना है। मैं जैसा बता रही हूँ वैसा आप कॉपी करते जाना, बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और बस थोड़ी ही देर में मास्क बन के रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने ये इलास्टिक को दोनों साइड के सिरों में मुझे यहाँ पे इसे जोड़ना है। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी हो गया इस टाइम पे दोस्तों, ना पहने तो फाइन भी भरना पड़ता है, तो क्यों ना इसे पहना ही जाए। और घर पे बनाना तो और भी इजी रहता है। अगर आपके आसपास में कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं है तो आप कॉटन के घर पे बने हुए मास्क पहन सकते हो, लेकिन अगर आपके आसपास या कहीं भी कोई कोरोना पेशेंट है तो आपको N95 या जो भी मास्क मिल रहे हैं वो पहनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, ये मैंने इतना स्टिच कर दिया। अब जो जगह मैंने छोड़ी थी ना, बाहर से मैंने इसको बाहर निकाल दिया है। ये देखिए, ये जो जगह मैंने छोड़ी है ना, इसके अंदर से हम कोई भी टिश्यू पेपर या कोई भी पेपर डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि इसकी लेयर जो है ना वो और भी मोटी हो जाएगी, तो कोई भी मतलब किसी भी तरह का कोई भी कीटाणु वो मतलब हमारे नाक तक या मुंह तक नहीं जा पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी सी बात है इस वाले मास्क में। ये देखिए, बस यहाँ सिर्फ इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है, पिन से सिक्योर कर देना है। फिर यहाँ पे दोनों साइड में सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे फेस पे अच्छे से कवर हो जाएगा, कहीं से भी ढीला नहीं रहेगा। तो चलिए, ये वाला तो मास्क हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमारे फेस पे आएगा। चलिए अब दूसरा बनाते हैं। दूसरे में मैंने सेम मेजरमेंट लिया है, 11 की लंबाई ली है, 7 की चौड़ाई ली है। इसे भी मैंने फोल्ड किया है। मैंने हर कपड़े का मतलब जो भी मास्क का कपड़ा लिया है उसको दो बार ही रखा है, मतलब दो बार फोल्ड करके रखा है ताकि ये थोड़ा सा मोटा रहे। कॉटन के कपड़े की जो लेयर होती है ना वो बहुत ही मोटी होती है, तो उसके अंदर से किसी भी कीटाणु के घुसने की जो आशंका होती है ना वो बहुत ही कम रहती है। देखिए, ऐसा शेप देख करके इसे काट दीजिए। देखिए, ये ऐसा कुछ दिख रहा है। अब जो ये वी वाले शेप दिए ना मैंने, इसने हमें जोड़ देना है। इन सबको हमें सिर्फ सिंगल जोड़ना है, साथ में मिलाते हुए इन्हें जोड़ देना है। बस आप देखते जाइए, मैं जैसा कर रही हूँ वैसा करते जाइए, आप बस इसे कॉपी कीजिए। बहुत ही सिंपल है, हर कोई बना सकता है घर पे। ये देखिए, अब ये कुछ मुंह जैसा लग रहा है। अब इसे दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें इसे सिलाई लगा करके जोड़ देना है। दूसरी साइड वाले से भी ऐसे ही जोड़ देना है नीचे से। और फिर इसे उल्टा करके बाहर निकालेंगे। ये देखिए, ये पूरा इस तरीके से दिखेगा, है ना सिंपल। अब चलो, इसके साइड के जो सिरे हैं ना उन्हें भी बंद कर देते हैं। इन्हें भी हमने बंद कर दिया है। और फिर इसके जो साइड वाले सिरे होंगे ना, वहाँ से हम इलास्टिक को जोड़ देंगे।
ये देखिए ये वाला मास्क भी हमारा बन गया है। ये देखिए इलास्टिक भी मैंने इस तरीके से जोड़ दिया है यहाँ पे। ये देखिए ये बन गया है, बड़ा ही यूज़फुल। एक और मास्क बनाते हैं, बस आप देखते जाइए जैसा मैं कर रही हूँ, आप देखोगे ना उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है। हमें मास्क को सिर्फ पहनना नहीं है, उसे कैसे अच्छे से यूज़ में लेना है ये भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप बाहर जाके आते हो ना तो अपने मास्क को पीछे की साइड से उतारें। उतारने के बाद में उसे अच्छी तरीके से धोने के बाद में 5 घंटे के लिए धूप में सुखाए। अगर धूप ना हो तो 5 मिनट के लिए पानी में अच्छे से उबाले, उसके बाद में उसको सुखा दें। सामने की तरफ से बिल्कुल भी नहीं छूना है हमें मास्क को। जब भी बाहर होते हैं या फिर उतार रहे हैं मास्क को, हमें सामने की तरफ से इसको बिल्कुल भी नहीं छूना है, पीछे की तरफ से ही हमें इसे छूना है। और अपने मास्क को कभी किसी दूसरे के साथ में शेयर ना करें। अपने मास्क आप अपने पास ही रखें। आपके पास जो मास्क होते हैं वो कम से कम 2 या 3 एक इंसान के मास्क आप रखिए, क्योंकि आपको जितनी बार बाहर जाना है, कपड़े का मास्क है तो उसे जितनी बार आप बाहर जा रहे हो उतनी बार वापस आकर के उसे धोने डालें। ये देखिए ये वाला मास्क भी हमारा बन गया है। अब इसे भी इसी तरीके से फोल्ड करते हुए बाहर निकाल दूंगी। ये देखिए ये भी बन गया है। अब इसे भी साइड में से बंद कर देंगे जो दोनों हिस्से हैं, फिर वहाँ पर पट्टी जोड़ देंगे। बाहर जो मास्क मिलते हैं वो 40 या 50 रुपए के तो मिलते ही है, तो घर में तो बहुत इजी बन जाता है। और घर पे जो हम मास्क बनाते हैं ना वो हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसा हमें कलर चाहिए, जैसा हमें डिज़ाइन चाहिए, जैसा कपड़ा चाहिए वैसा हम बना सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई कोरोना पेशेंट है तो आप घर में बने मास्क यूज़ में ना लें, जो मार्केट में मिलते हैं वही यूज़ में लें। पर अगर कोई ना है आपके आसपास या फिर आपके एरिया में बहुत कम ही है, सिटी में है ही नहीं, तो आप घर में बने मास्क यूज़ में ले सकते हो। बस ध्यान रखें कि इन्हें हमें बार बार धोना है, जितनी बार हम बाहर जा रहे हैं उतनी बार हमें इन्हें धोना पड़ेगा। और अगर आपके पास में डिस्पोजेबल मास्क है तो आपको उसे यूज़ करने के बाद में कोई ढक्कन वाला डस्टबिन होता है उसके अंदर ही आप उसे डालें। एक और बनाते हैं। वैसे तो मास्क बहुत टाइप के होते हैं लेकिन मैंने आपको सिर्फ कुछ ही बना करके बताए हैं, क्योंकि अगर मैं सारे बनाने बैठती तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। ये वाला जो है मैं इसे थोड़ा सा डिज़ाइन वाले कपड़े में ले रही हूँ। देखिए नाक वाली शेप देनी है और फिर यहाँ से नीचे से ऐसे माउथ जैसा हमें बना देना है, फिर से कट कर देते हैं। ये भी बड़ा ही सिंपल है। फिर इसको काट देंगे, फिर चारों जो टुकड़े हैं इनको हम इस तरीके से जोड़ देंगे। ये देखिए आप देखते जाइए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में ना आ रहा हो तो आप अपनी वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा कम करके भी आप देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसे भी हमें बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हमने आगे बनाए थे। दोस्तों अगर आपके पास में कोई ऐसे लोग रहते हैं जो मास्क नहीं खरीद सकते हैं बाहर या फिर घर पे भी खुद से नहीं बना सकते हैं, तो कोशिश करें कि आप उन्हें बना करके दें, क्योंकि उनके लिए भी सुरक्षित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब देखिए ऐसी एक पट्टी बना दीजिए और इसे भी साइड में हम ऐसे जोड़ देंगे।
देखिए कितना इजी है ना घर पे मास्क बनाना, और अपनी पसंद का भी बना सकते हैं जैसा हमें चाहिए वैसा। बहुत ही यूज़फुल वीडियो दोस्तों, सबके साथ में शेयर करो। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ये देखिए इसे भी इस तरीके से हमें जोड़ना है। दूसरी वाली साइड भी जोड़ दिया। ये देखिए ये कुछ ऐसा लगेगा। अब मैं आपको एक इंस्टेंट मास्क बना के बताती हूँ। एक रुमाल ले लीजिए, उसको इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। अब इसके साइड के जो सिरे हैं ना, वहाँ से एक रबर बैंड को डालिए, दूसरी वाली साइड भी रबर बैंड डालिए। अब इसको फोल्ड कर दीजिए। अब जो नीचे वाला हिस्सा है उसको ऊपर ला करके इस तरीके से बंद कर दीजिए। ये देखिए बन गया ना मास्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।